प्रोटीन के दो फायदे हैं, एक तो पेट भरा रहता है, ठीक, कैलोरी डेंस रहता है। कैलोरी डेंस से ज्यादा एक न्यूट्रिशनली डेंस पदार्थ है वो। जब प्रोटीन खाते हैं ना, ऑटोमेटिकली 5 घंटा प्रोटीन शेक पिया तो कैसे लगता है, 4 घंटा इंजन शांत रहता है। वो जिम जाओ नहीं जाओ वो बात की बात है, बट इशू क्या है, काफ़ी जन हम खाते हैं भूख को चुप कराने के लिए, दबाने के लिए। तो हर एक मील में थोड़ा तो प्रोटीन मीना हमेशा देती है कि कुछ तो एक 20-25% प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपने चाइनीज़ खाना खाया, चाइनीज़ में वो क्या सकते हैं, सब्जी लेते हैं, बेसन में डालते हैं, उसका ग्रेवी डालते और फ्राइड राइस देते हैं, ये 95% कार्बोहाइड्रेट मील हो जाता है। क्या होता है, ये खाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर भूख लगता है। वही चीज़ आप चिकन डाल के खाओ तो 3 घंटा शांत रहता है इंजन। तो पॉइंट क्या है, प्रोटीन के दो फायदे हैं। अभी सी पोस्ट सर्जरी सबको वेट लॉस करना है, तो वी कॉल इट फैट हैज़ टू बी स्टार्व्ड, इसलिए तो हमने कैलोरी इंटेक कम कर दिया है, बट मसल हैज़ टू बी बिल्ट। अभी मसल हैज़ टू बी बिल्ट मीन्स मसल हैज़ टू बी फेड, उसको खिलाना पड़ता है कुछ, तो वो अपने आप मसल तो बढ़ेगा नहीं। और अपना बॉडी इतना ऑटोमेटिक नहीं है कि पहले वो फैट बना रहा था अभी ऑटोमेटिकली मसल बना रहा है। इट इज नॉट अ बटन आपने कुछ प्रेस किया और मैं जिम जा रहा हूँ इसलिए ऑटोमेटिकली मेरा अभी बॉडी मसल बनाएगा, उसके प्रोग्रामिंग में अभी भी फैट बनाना ही है। मेरे 90% सो चाइल्ड ओबेसिटी के पेशेंट रहते हैं ना आर ऑल एथलीट्स, ये सब एथलेटिक बैकग्राउंड से आते हैं, और 90% स्विमर्स, ये सब चाइल्डहुड नेशनल स्टेट लेवल स्विमर्स रहते हैं, और मेरे सामने 18 उम्र पे 120 किलो रहते हैं, क्योंकि उनके जो स्विमिंग था, स्विमिंग में मसल बिल्डिंग हुआ नहीं, स्विमिंग में स्टैमिना मसल्स बिल्ड हुआ, हम उसको टाइप 1 फाइबर्स कहते हैं। वो मसल फाइबर्स बिल्ड होते हैं बट वो बेसिकली फैट स्टोरेज के लिए बिल्ड होते हैं। जब तक वो एनर्जी यूज हो रहा था स्विमिंग में तब तक वो शेप में थे, जिस दिन एनर्जी यूज होना बंद हो गया वही चीज फैट में कन्वर्ट होके वजन 25-30 किलो एक साल में बढ़ जाता है। और ये लोगों के साथ होता है जब वो जस्ट जिम ज्वाइन करते हैं, जिम जाते नहीं पर प्रोटीन शेक चालू कर देते, फिर नाम किसका खराब होता है, प्रोटीन शेक और जिम का, कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ट्रेनर ने मेरे को प्रोटीन शेक बेचा, सर मैं प्रोटीन शेक खा रहा हूँ अभी जिम नहीं जा रहा हूँ पर मेरा वेट 5 किलो बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ गया, जिम की गलती थी, प्रोटीन की गलती थी, इसको हम कैलोरी पार्टिशनिंग कहते हैं। सी घोड़ा और गाय में जो फर्क रहता है ना, एक गाय जो है वो भी घास ही खाता है, घोड़ा भी घास ही खाता है, पर घोड़ा ने कैसे तो भी इन द लास्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन उसने वो घास में से मसल बनाना सीख लिया है, पर गाय अभी भी फैट ही बना रहा है। ये फर्क कहाँ से हुआ है, इट इज एवोल्यूशन भाई। हमारे बॉडीज इतने फास्ट है कि हमने वो रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई कर दिया है कि एक बार आपने प्रोटीन खाना चालू किया कि आपका बॉडी मसल बनाएगा, प्रोवाइडेड आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया तो, थोड़ा सा। बॉडी को बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, वो लोग 150-200 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। तो मैडम ने जो इंटरेस्टिंगली कहा ना कि 1500 कैलोरी रोज खाना है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये 1500 को 6 बार खाना है या उसमें 600 6 मील्स × 200 कैलोरी या 500 के 3 या 600 के 2, आपको कैसे खाना है ये आपके वर्कआउट प्रोफाइल पर डिपेंड होता है। तो ये बेस्ट क्या होता है कि आप मील डिवाइड करो 6 बार 6 टाइम में, पर प्रोटीन इंटेक हर एक इसमें थोड़ा सा तो होना चाहिए।